हरदोई जिले के महिला थाने के ठीक सामने एसपी ऑफिस के पास दो पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान काफी देर तक हंगामा और मारपीट होती रही, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और दोनों पक्षों को थाने पर ले जाकर पूछताछ की। दरअसल एसपी ऑफिस के सामने दो पक्ष आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे, इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट होते देख महिला थाने से महिला एसओ और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। महिला थाने के प्रभारी राम सुखारी ने बताया कि राहुल और ममता दोनों पति पत्नी हैं, दोनों कुछ दिन से अलग अलग रह रहे हैं। इधर राहुल ने एक शिकायती पत्र थाने पर दिया था, वह अपनी पत्नी को विदा कराना चाहता है लेकिन ससुराल वाले भेज नहीं रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों को आज बुलाया गया था। हालांकि दोनों पक्षों ने आपस में ये समझौता कर लिया था कि दोनों पक्ष अपना सामान लेन देन कर लेंगे और दोनों ने यह सहमति पत्र भी पुलिस को दिया था, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि यह मामला अपने अधिवक्ता के माध्यम से निपटाया जा सकता है। महिला थाने पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। इसके बाद दोनों पक्षों को विदा कर दिया गया था। दोनों पक्ष जैसे ही थाने के बाहर निकले तो एक अंगूठी और घड़ी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। महिला एसओ ने बताया कि दोनों पक्षों को पकड़कर थाने में बैठा लिया गया और पूरे मामले में जो भी विधिक कार्रवाई है वो अब अमल में लाई जा रही है। राहुल वर्मा ने ममता के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी कि मेरा पति मुझे खर्चा पानी नहीं देता। एक सप्ताह ही लड़की पहले महके गई थी अपने, उसके विदा कराने ये लोग गए, इन लोगों ने विदा नहीं किया ममता को परिवार वालों ने, तो इन लोगों ने हमारी एप्लीकेशन लगाई। 8 तारीख को इन लोगों की मैंने सुनवाई की, 8 तारीख को ही एप्लीकेशन आई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तर्क वितर्क किया कि मैं इस कारण से नहीं जा रहा, मैं इस कारण से नहीं ले जा रहा, लेकिन दोनों पक्ष राजी हो गए थे। वर पक्ष ये फिर भी चाहता था, रोहित वर्मा ये कहते थे कि मैं ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की और लड़की के पिता ने साहब कहा मैं भेजने से मना कर रहा हूँ। दोनों ने कहा, फिर दोनों पक्ष तैयार हुए कि ठीक है हम अपना अपना लेन देन कर लेते हैं। दोनों पक्ष आज 12 तारीख को आज डेट लगी थी, दोनों की सिग्नेचर कराए गए दोनों पक्षों के, और दोनों पक्षों को यहाँ से दोनों ने अपनी अपनी एप्लीकेशन दी कि हमारा इतना सामान है, हमारा इतना सामान है। दोनों की एप्लीकेशनों को मैंने सामान की लिस्ट को लड़की पक्ष का लड़के पक्ष को दे दिया, लड़के पक्ष की लिस्ट लड़की पक्ष को दे दी मैंने। दोनों एक दूसरे की लिस्ट पर संतुष्ट थे, एक घड़ी और एक अंगूठी के कारण ये मामला वहीं पर रफा दफा नहीं हो पाया। मैंने कहा आप ये तलाक और जो भी समझौते का लेन देन है आप अपने वकील के माध्यम से कर लीजिए, महिला थाने में ये सब नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बोले नहीं, हम लोग समाज में बैठकर अपनी ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, अंगूठी और घड़ी हम दोनों दे देंगे। ठीक है, दोनों को हमने यहाँ से थाने से रवाना कर दिया, लेकिन ये गेट पे जाकर किसी बात को लेकर इन लोगों में पति पत्नी में या साथ संधि समधि में विवाद हो गया, वहीं पे लोगों की मारपीट हुई। लेकिन मैंने दोनों पक्षों को यहाँ पे बिठा लिया है, जिसमें महकमे विधि की जो भी कार्रवाई होगी 151 की, मैं उन्हें 151 की कार्रवाई कर न्यायालय में कल प्रस्तुत कर दूंगी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।